Good morning, students. Welcome to our e-learning classes. Now, students, today we will start our new chapter, Word Pack. ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है. हमने आपको अपने प्रीवियस चैप्टर में सिखाया था कि एमएस पेंट क्या होता है, हम उस पर कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम अपनी किसी फाइल को सेव करते हैं, हमने उस पर ड्रॉ कर लिया, उस पर कौन कौन से टूल्स होते हैं, किस डिफरेंट यूजेस में आते हैं, हमने आपको ये सब समझाया था. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्ड पैक. समथिंग जैसे हम अपनी कॉपी में, हम जब कॉपी पे लिखते हैं, हम उस पर राइटिंग करते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, हम ये सब करते हैं, उसी वर्क को आप वर्ड पैड पे भी कर सकते हो. हम उसमें अंडरलाइन करते हैं, बोल्ड मीन्स आप उसको काफी डार्क करके लिखते हो, ब्यूटीफुल सा लिखते हो, स्टाइल में लिखते हो. आप जो वर्क करते हो अपनी कॉपी में वो खुद से करते हो, बट उसी वर्क को हम कंप्यूटर पे वर्ड पैड की हेल्प से कर सकते हैं. ना हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. फर्स्टली हम देखेंगे हमारे टॉपिक क्या क्या है. फर्स्ट है हमारा स्टार्टिंग वर्ड पैड. वर्ड पैड को हम ओपन कैसे करेंगे, हम पहले वो सीखेंगे. सेकेंड है हमारा फाइल मेन्यू. उसमें फाइल मेन्यू में क्या क्या आती है, हम वो चीज सीखेंगे. फिर है हमारा रिबन. रिबन में हमारे क्या क्या होता है आपको याद होगा, तो हमने आपको अपने प्रीवियस चैप्टर में समझाया था कि हम किस एरिया को रिबन कहते हैं, हमने आपको ये समझाया था. फिर नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट एरिया. डॉक्यूमेंट एरिया क्या है वो भी हम आपको अभी बताते हैं. फिर है हमारा कॉपी एंड पेस्ट. कॉपी एंड पेस्ट हम ये कैसे कर सकते हैं, हम ये सीखेंगे. फिर है हमारा कट एंड पेस्ट. कट एंड पेस्ट कैसे कर सकते हैं, हम ये सीखेंगे. आइए हम अपनी छोटी सी समरी, हम अपने चैप्टर को फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं. देखिए, क्लोजिंग एग्जिस्टिंग वर्ड पैड. वर्ड पैड को हम अपना वर्क करने के बाद कैसे बंद कर सकते हैं, हम वो भी देखें. हम एमएस वर्ड वर्ड पैड कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्टली फॉलो दिस स्टेप. पहले हम इन स्टेप्स को पढ़ेंगे. क्या लिखा है, टाइप वर्ड पैड इन द सर्च बॉक्स. अ मेन्यू अपीयर्स शोइंग द रिजल्ट ऑफ द सर्च. सेकेंड पॉइंट क्या है, शी क्लिक्स ऑन वर्ड पैड. ठीक, देखिए ये हमारा खुल गया. हम यहाँ ये नीचे साइड हमारी, देखिए जब आप कंप्यूटर लैब में जाते हो, हमने अभी आपको अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था कि हम पहले फर्स्टली स्टार्ट बटन जब क्लिक करेंगे तभी हमारे ये सारे ऑप्शंस ओपन होके आएंगे. जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आप ऐसे भी पा सकते हो, स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना ही पड़ेगा. आप जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो हमारे ये ऑप्शन ऐसे खुल के आएंगे. ये जो हमारा सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल, हम चाहते हैं हमारा वर्ड पैड हमें बहुत ही जल्दी मिल जाए कि हम विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए हम अपना वर्क स्टार्ट कर दें. तो आप यहाँ सर्च बॉक्स में लिखोगे वर्ड पैड, जब आप लिखोगे तो आप देखोगे हमारे पास ये सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे. लास्ट से देखिए हमें फोर्थ नंबर पे हमारा वर्ड पैड मिल जाएगा. जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारा वर्ड पैड ओपन हो जाएगा. फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू में कौन कौन से हमारे ऑप्शंस होते हैं, फर्स्टली हम पहले देखेंगे कि हमने मेंशन मींस लिखा क्या है अपने स्लाइड में. द फाइल मेन्यू इज लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड पैड विंडो. इट हेल्प टू ओपन सेव पेंट and close a document. It also helps to create new blank document. Means आप जब ऊपर देखोगे तो देखिए फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टैब, ये सारे आपको ऊपर ऑप्शंस मिलेंगे. बट हमें तो फाइल मेन्यू के बारे में समझना है कि फाइल मेन्यू में आते कौन कौन से ऑप्शंस हैं. तो आप जब फाइल मेन्यू पर क्लिक करोगे तो हमें ये सारे ऑप्शंस खुल के मिलेंगे. फर्स्टली हमने जैसे अपने वर्ड पैड पे एक वर्क कर लिया, हम चाहते हैं कि हमें एक
न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाए, तो आप जब न्यू पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जो आप वर्क कर रहे थे वो चेंज हो गया, एक ब्लैंक नया सा हमारा डॉक्यूमेंट एरिया हमें मिल गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, ओपन, ओपन ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, मीन्स आपने अपना कुछ वर्ड पैड पे सेव कर लिया, आप चाहते हो कि हम उसे दोबारा से ओपन करके देख लें, तो आप ओपन की हेल्प से वो कर सकते हैं। क्लोज मीन्स हमने अपने वर्ड पैड पे वर्क कर लिया, हम चाहते हैं कि अब हम इसे बंद कर दें, तो आप क्लोज की हेल्प से वो कर सकते हो। सेव, आपने समथिंग वर्क किया, आप चाहते हो कि हम इसे सेव कर दें, हम समथिंग काफी टाइम बाद अगर हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, वर्ड पैड ओपन करते हैं, तो वो हमें उसी चीज से मिले, तो आप सेव की हेल्प से वो कर सकते हो। सेव एज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सेव एज की हेल्प से समथिंग हमने अपने वर्ड पैड पे किया वर्क, हमने उसको सेव कर दिया, ठीक, हम उसको ओपन की हेल्प से फिर से खोल के हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप जब चेंजेस कर लोगे तो आप सेव एज पे क्लिक करोगे तो वो फिर सेव एज मीन्स आपका वो चेंज होके उस तरह में सेव हो जाएगा। ये सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। प्रिंट, प्रिंट मीन्स क्या होता है, समथिंग आपने कुछ वर्क किया है, ठीक, आपने जो वर्ड पैड पे वर्क किया आप चाहते हो कि वो वर्क हम अपने पास पेपर पे ले ले, तो आप प्रिंट की हेल्प से उसका प्रिंट ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रिबन। रिबन में हमारे क्या क्या आते हैं, फर्स्टली हम देखते हैं पहले लिखा क्या है, इट इज डिस्प्लेड जस्ट बिलो द टाइटल बार, इट कंटेन्स ऑल द कमांड्स दैट आर नीडेड फॉर कॉमन टास्क इन वर्ड पैड, द कमांड्स आर डिवाइडेड इन टू टैब्स एंड ग्रुप्स। हमने आपको बताया था ना, ये जो पूरा हमारा जिसमें हमारे सारे चीजें आती हैं, हमारे क्लिप बोर्ड फाउंड जो सब आते हैं उसे हम रिबन कहते हैं। देखिए हमारे क्लिप बोर्ड में क्या क्या आता है, पेज, कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर, ये सब हमारे क्लिप बोर्ड में, जिसको हम टैब सेक्शन बोलते हैं, ठीक, ये जो हमारा आपको ऊपर बटन दिख रहा है ये ऑफिस बटन है, आप जब ये हमारा फाइल मेन्यू भी है, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो हमारे फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस ओपन होके आपके पास आएंगे। ये है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, होम, होम इंसर्ट पेज लेआउट, ये इसको हम बोलते हैं टैब। फिर ये देखिए मिनी टूल बार, ये सारे हमारे रिबन्स हैं, रिबन में हमारे ये सारे ऑप्शंस आते हैं, हम यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक, यहाँ से हम अपने फॉर्म का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, हम जो समथिंग लिख रहे हैं वो नॉर्मली पहले तो ब्लैक कलर में आएगा, हम चाहते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाए तो आप यहाँ से भी उसका कलर चेंज कर सकते हो। ये सब हमारे रिबन हैं, हम इनको पूरा रिबन कहते हैं, जिसमें हमारे टैब्स एंड ग्रुप्स आती हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया क्या है, द वाइट एरिया वेयर यू राइट टेक्स्ट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट एरिया। हमने आपको बताया ना, जब हम अपना ओपन करते हैं, ठीक, वर्ड पैड हमने ओपन किया, हमने अभी आपको बताया जो ये हमारा वाइट एरिया है इस पे हम लिखते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। हम प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था, क्योंकि हमें तो पेंट में पेंट करना था तो वो हमें उसको हम ड्राइंग एरिया बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हमको वहां पे अपनी ड्राइंग बनानी, उसे पेंट करना है, बस हमें इतना करना है, बट इसमें हमें वर्ड पैड पे तो लिखना है, तो इसलिए इस ब्लैंक एरिया को हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट क्या होता है हम वो समझेंगे। फर्स्टली देखिए फॉलो दिस स्टेप, पहले देखते हैं लिखा क्या है, ही सिलेक्ट द टेक्स्ट रेन रेन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज हाईलाइटेड, नाउ ही प्लेस द कर्सर ऑन द फोर्थ लाइन वेयर ही वांट्स टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट, ही क्लिक्स ऑन द पेस्ट कमांड, ठीक,
हमने ये अपना वर्ड पैड खोला है, हमने यहाँ पे कुछ लिखा, देखिए यहाँ पे हमने दिया है रेन 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 रेनबो। अब ये जब हम छोटे से थे तो हमारी मैम लोग ये पोएम पढ़ाती थी, हमने वो तो आपने यहाँ पे लिखा नहीं है, हमने लिखा है विंडोज 7 हैकर्स ऑल अबाउट विंडोज, हमने ये हेडिंग डाली है। तो फर्स्टली देखिए ये जो लिखा है ये कंट्रोल प्लस सी, ये हमारी कॉपी की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस बी ये पेस्ट की शॉर्टकट की है समथिंग। ये देखिए ये जो हमारा लिखा हुआ है विंडोज 7 हैकर्स, हम चाहते हैं कि हम इसी को कॉपी करके दूसरी जगह भी शिफ्ट कर दें, तो आप माउस की हेल्प से अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाओगे कंट्रोल प्लस ए। जब आप कंट्रोल प्लस ए, ये दोनों की आपकी साथ में ही प्रेस होनी चाहिए, जब आप कंट्रोल प्लस ए करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा हाईलाइटेड हो गया, मीन्स ब्लू ब्लू जैसा आपको पूरा शो करेगा, इसका मतलब है हमने जो ये लिखा है वो हमारा सिलेक्ट हो गया है। फिर हमें पहले क्या करना है, कॉपी करना है, तो आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, अगर आप शॉर्टकट की नहीं चाहते हो तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो समथिंग। आप इसको जब सिलेक्ट कर लोगे तो आप यहाँ पे ये जो आपको दो पेजेस जैसा दिख रहा है आप इस पे जब क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा, बट आप अगर शॉर्टकट की यूज करोगे तो वो हमें ज्यादा इजी पड़ेगा। आप कंट्रोल प्लस सी ये भी की साथ में ही प्रेस करोगे, तो आप जब यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी करोगे तो ये हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट एरिया में जिस जगह भी ये वर्ड कॉपी करना है आप वहां पे अपना माउस पॉइंटर लेके जाओगे माउस की हेल्प से, वहां पे कंट्रोल प्लस बी ये की ही हमें साथ में ही प्रेस करनी, ये नहीं कि पहले हमने कंट्रोल प्रेस कर दिया फिर बाद में बी करेंगे, नहीं, एक फिंगर अगर हमारी कंट्रोल में रहेगी तो दूसरी फिंगर हमारी बी पे तुरंत साथ में ही दोनों होनी चाहिए, तभी वो हमारा वर्क करेगा। जब आप कंट्रोल प्लस बी करोगे तो आप देखोगे विंडोज 7 हैकर्स हमारा यहाँ भी कॉपी हो गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट हम कैसे करेंगे, फर्स्टली हम पहले पढ़ते हैं लिखा क्या है। फॉलो दिस स्टेप, ही सिलेक्ट द वर्ड पेन, इट इज हाईलाइटेड, ही नाउ क्लिक ऑन द कट कमांड, द विंड द वर्ड पेन डिसअपीयर, ही प्लेस द कर्सर After two and click on the paste command. ठीक, ये हमने लिखा, देखिए हमारी ये शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स, ये हमारी कट की शॉर्टकट की है, हमने आपको अभी प्रीवियस में पढ़ाया, मीन्स हमने इससे पहले आपको स्लाइड में बताया था कंट्रोल प्लस सी था तो वो हमारी कॉपी की शॉर्टकट की थी, बट कंट्रोल प्लस एक्स ये हमारी कट की शॉर्टकट की है, और कंट्रोल प्लस बी वो तो हमारी पेस्ट की शॉर्टकट की है। देखिए पहले यहाँ लिखा क्या, रेन रेन गो अवे कम अवे अनदर डे, वे चिल्ड्रन वॉन्ट टू प्ले, रेन रेन गो अवे होना चाहिए, ये फिर ये रॉन्ग वर्ड है कि नहीं है, ये है, हम तो पोएम पढ़ते थे रेन रेन गो अवे कम अवे अनदर डे लिटिल जॉनी कम टू प्ले, हम ऐसे पढ़ते थे, तो हम चाहते हैं कि ये वर्ड हमारा हट जाए, तो आप अपना कर्सर यहाँ पे लेके आओगे, शिफ्ट के साथ आप अपनी लेफ्ट की प्रेस करोगे, लेफ्ट एरो की, तो आपका ये इतना वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप अगर कंट्रोल प्लस ए करोगे तो हमारी पूरी पोएम सिलेक्ट हो जाएगी, हमें पूरी पोएम तो सिलेक्ट करनी नहीं है, हमें सिर्फ ये वर्ड हटाना है, तो आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करोगे तो हमारा सिर्फ ये वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो हम इजी के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एक्स ये दोनों की आप साथ में ही प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस एक्स करोगे तो आप देखोगे हमारा वर्ड यहाँ से गायब हो गया है। ठीक, हमने ये वर्ड गायब कर लिया, हमने अपनी पोएम साइट में लिखी तो हमें देखने में वर्ड पैड में अच्छा नहीं लग रहा है, हम चाहते हैं कि ये पोयम हम अपनी यहाँ से हटा के बीच में लेके आए, तो आप अपना कर्सर यहाँ रखोगे कंट्रोल प्लस ए करोगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए नहीं करना चाहते तो आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करते जाओगे तो ये हमारा पूरा वर्ड सिलेक्ट होता जाएगा। फिर आप कंट्रोल प्लस एक्स, मीन्स कंट्रोल प्लस एक्स कट की शॉर्टकट की है, ये भी आप साथ में ही प्रेस करोगे, ये नहीं कि पहले आपने वो कर दिया फिर वो करेंगे, ऐसे नहीं,
दोनों की साथ में ही प्रेस होनी चाहिए। जब आप कंट्रोल प्लस एक्स करोगे तो हमारा ये यहाँ से गायब हो जाएगा, हमें बीच में लाना। हम अपना माउस पॉइंटर यहाँ लेके आएंगे, कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो देखेंगे हमारा ये यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ से हट गया है वो। फिर यहाँ पे जब आप कंट्रोल प्लस बी करोगे तो हमारा पोयम यहाँ बीच में आ जाएगा, जो देखने में भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग एग्जिटिंग वर्ड पैड। हमने वर्ड पैड पे वर्क कर लिया, उसे सेव करना भी हमने सीख लिया, सारे वर्क हमने कर लिए। अब चाहते हैं हम कि हमारा वर्ड पैड बंद हो जाए, तो वो हम कैसे करेंगे? ऑफिस बटन ही हमें क्लिक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वहीं पे ही न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे ऑप्शन हमें वहां ही मिलेंगे। ये देखिए, जब आप ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे तो हमारे ये ऑप्शंस खुल के आएंगे। देखिए, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। हमें तो बंद करना है। आप जब क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपका जो वर्क रहेगा वो बंद हो जाएगा। कहीं पे क्लोज आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे एग्जिट लिखा हुआ मिलेगा, वो आपका बंद हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या समझा? वर्ड पैड कैसे ओपन करते हैं, उसमें हम अपने फॉर्म का स्टाइल, कलर, नंबरिंग कैसे चेंज करते हैं, उसे सेव कैसे करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के, मतलब अपना फॉर्मेटिंग, हमने जो लिखा उसको हम कई सारे अच्छे अच्छे स्टाइल्स में कैसे डाल सकते हैं, हमने ये सीखा। फिर हमने सीखा कि हम उसे बंद कैसे कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।